आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाजी थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, GSTR 99C को लेकर एक बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइजरी आई है। लेकिन क्या इस एडवाइजरी ने हमारी समस्याओं को हल करा है? नहीं, इन्होंने हमारी समस्याओं को बढ़ाया है। इस एडवाइजरी ने कन्फ्यूजन को कैसे बढ़ाया है, देखिए ये एडवाइजरी आपके यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। एडवाइजरी आई थी कब? ये 9 दिसंबर को एडवाइजरी आई थी। और ये क्या कह रही है? बेसिकली इसका जो मेन फोकस है वो 8A एंड 8C पर है। अगर आपको पता हो GSTR 9 की सबसे जो इम्पोर्टेंट टेबल है वो है 8A। 8A के अंदर जो ITC आता है वो कहाँ से आता है? जो हमारे सप्लायर अपनी GSTR 1 भरते हैं वहाँ से 8A में ITC आता है। पिछले सालों तक ये जो 8A में ITC आता था ये बेसिस पर आता था 2A के, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने इसे चेंज करके 2A की जगह कर दिया है 2B। तो अब इसके आने से बड़ी समस्याएं आने लग गई और इसके अंदर अब डिफरेंसेस आने शुरू हो गए। अब हमारे को लग रहा था कि इस एडवाइजरी को पढ़कर जो वो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन इस एडवाइजरी ने और कन्फ्यूज़न दिया है। एडवाइजरी क्या है? एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए है। और कहती क्या है कि भैया देखो, सबसे पहले तो एक नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 या नोटिफिकेशन नंबर 20/2024 ये जो इशू हुई थी इसके अंदर जो GSTR 9 में चेंजेस थे उसके बारे में डिस्कशन है। अब ये क्या कहते हैं कि इस बार का जो टेबल 8A है वो कैसे बन रही है? वो 2B के माध्यम से बन रही है। तो इस वजह से टेबल 8C का क्या रोल रहेगा, ठीक है ना? टेबल 8C किस लिए होती है? टेबल 8C हमारे को ये पता है कि भाई टेबल 8C का रोल ये रहता है कि अगर कोई ITC हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कोई ITC है और अगर हम उसे 24-25 में क्लेम कर रहे हैं 30 नवंबर तक, तो हम उसे 8C के अंदर दिखाते हैं और 13 के अंदर दिखाते हैं। तो लोगों को समस्याएं हुई, तो लोगों ने जब समस्याओं के समाधान के लिए टिकट रेज करे तो हमें लग रहा था सॉल्यूशन दिया जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिया गया, कन्फ्यूज़न दी गई। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना क्या आपको कन्फ्यूज़न हुई है या नहीं। मैं कोशिश करता हूँ आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर करने की। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्या इस एडवाइजरी को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। चलिए हम पहला इशू उठाते हैं। इन्होंने क्या बोला कि भैया फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर हुआ ऐसा है कि हमारे सप्लायर ने अपनी GSTR 1 को टाइम पे नहीं भरा। लेट सपोज करो उसने जो मार्च 24 की जो GSTR 1 थी उसे 15 अप्रैल को फाइल करा। अब जब कोई व्यक्ति अपनी मार्च की जो GSTR 1 है वो 11 तारीख 13 तारीख को फाइल ना करके 15 अप्रैल को फाइल करेगा, तो क्या वो हमारे 23-24 के 2B में आएगा? आंसर इज नो, वो हमारे 23-24 के 2B में नहीं आ रहा। तो जब वो 23-24 के 2B में नहीं आ रहा तो वो वाली फिगर हमारे टेबल 8A में भी नहीं आ रही, ठीक है ना? अब मुद्दा ये हुआ कि जब वो मेरे टेबल 8A के अंदर नहीं आ रही, लेकिन वो मेरा ITC कौन से साल का है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ क्या वो ITC 23-24 का है या वो ITC 24-25 का है। सर बिल की डेट तो 23-24 है, बिल की डेट तो 23-24 है, गुड्स और सर्विस तो रिसीव 23-24 में हुए हैं, तो वो ITC 23-24 का होना चाहिए, लेकिन 2B में नहीं आया। तो जब 2B में नहीं आया तो 2B में कौन से साल में आया? 24-25 में, तो वो होना चाहिए 24-25 का। तो पहली चीज़ तो एडवाइजरी से ये कन्फ्यूज़न क्लियर करनी थी कि भाई वो ITC किसका है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया ये वाला आपका जो ITC है ये 23-24 का है, और इस 23-24 के ITC को आप 24-25 में क्लेम कर रहे हो, इस 23-24 के ITC को आप 24-25 में क्लेम कर रहे हो, तो आप उसे क्या करो, टेबल 8C और टेबल 13 में दिखा दो। लेकिन जैसे ही आप टेबल 8C और 13 में दिखाओगे तो इससे आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सर क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जरा इस बात को समझो। अगर आपने वो ITC 3B में ले रखा है, वो ITC आपने लेट सपोज करो 3B में ले रखा है, सर हमने तो लिया ही नहीं। भैया कुछ लोग ऐसे थे जो 2B में ITC नहीं भी आता था तब भी उसे क्लेम कर लेते थे, किसके अंदर? 3B के अंदर। तो लेट सपोज करो हम एक बात मानकर चलते हैं कि यहाँ पर रामलाल है, रामलाल ने वो ITC 3B के अंदर क्लेम कर लिया, ठीक है ना?
हालांकि उसे करना नहीं था, उसने क्लेम कर लिया। अब हुआ क्या होगा जब ये ITC उसने 3B में क्लेम कर लिया होगा, लेट सपोज करो 20 रुपये का ऐसा ITC था जो उसके 2B में नहीं आ रहा था और उसने क्लेम कर लिया, और नॉर्मल ITC जो था वो 100 रुपये का था, तो यहाँ पर 6A में कितनी फिगर आ रही होगी, 120 रुपये। 120 रुपये इसमें से 100 रुपये का ITC तो मेरे 2B में आ रहा है और 20 रुपये का नहीं आ रहा। अब यहाँ पर टेबल 8A में कितनी फिगर आ रही होगी, टेबल 8A में भी कितनी फिगर आ रही होगी, सिर्फ 100 रुपये, ठीक है ना, सिर्फ 100 रुपये, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो 20 रुपये का ITC है जो मेरे 2B में नहीं आ रहा, अब उसका क्या करना है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है आप इसे ना ऐसा करो 8C के अंदर दिखा दो, तो 8C के अंदर अगर आपने वो 20 रुपये दिखा दिए तो 6B के अंदर क्या फिगर दिखाओगे, 6B के अंदर क्या फिगर दिखाओगे। तो यहाँ पर जो भी फिगर आप 6B के अंदर दिखाओगे, लेट सपोज करो आप यहाँ पर 120 रुपये की फिगर दिखाते हो, क्योंकि आपका जो 3B में ITC है वो तो 120 ही डाला है, तो ये फिगर यहाँ पर 120 आ जाएगी और टेबल 8D के अंदर 40 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा, टेबल 8D के अंदर 40 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा और आपको नोटिस आएगा कि भैया तुम्हारे सप्लायर ने तो 100 ही रुपये दिया था और तुमने तो 40 रुपये का ITC फालतू ले लिया, आप इसे रिवर्स करो। अब मान लो दूसरा एग्जांपल ले लेते, अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने उसे 3B में क्लेम नहीं करा, तो जब हम उसे 3B में क्लेम नहीं करेंगे तो हमारी 6A में फिगर कितनी आएगी, 100 रुपये, और यहाँ पर भी 6B में भी आपने फिगर कितनी दिखा दी, 100 रुपये, तो यही फिगर उठकर यहाँ पर आ गई 100 रुपये, ठीक है ना। और अगर उसके बाद आप 8C में 20 रुपये दिखाते हो तो इस बार डिफरेंस कितना आएगा, 20 रुपये, तो हो सकता है फिर भी आपको नोटिस आ जाए, हो सकता है फिर भी आपको नोटिस आ जाए कि भाई ये 20 रुपये का डिफरेंस क्यों आ रहा है, फिर तुम्हें बताना पड़ेगा जी एक एडवाइजरी आई थी, उस एडवाइजरी के हिसाब से हमने इस ITC को दिखाया है। तो मेरे हिसाब से अगर तुम 8C के अंदर ये 20 रुपये का ITC दिखाते हो, कब, जब आपने 3B में गलती से क्लेम कर लिया तो 40 रुपये का डिफरेंस आएगा, और अगर आपने 3B में क्लेम नहीं करा उसके बाद दिखाते हो तो 20 रुपये का डिफरेंस आएगा, और टेबल 8 में जब भी डिफरेंस आया है तो गवर्नमेंट ने आपको नोटिस भेजा है। तो इस बार की जो GSTR 9 है उसे भरने से पहले इस केस को देख लेना, इस तरह के कई सारे केसेस बनेंगे। तो हमने क्या करा है ना, 5 घंटे की वर्कशॉप रखी है, 7 बजे से 9:30 बजे तक सैटरडे और संडे। तो अगर आपको अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए, इस एडवाइजरी के जवाब चाहिए, तो हमारा इस सेशन को ज्वाइन कर लेना, इस वेबिनार को ज्वाइन कर लेना हमारी टीम से बात करके। चलिए एडवाइजरी अगली बात क्या कहती है, एक बार एडवाइजरी की अगली बात समझ लेते हैं। अगर हम अगली बात पर चले एडवाइजरी की, तो देखना जो इन्होंने पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 करा है, दोनों के अंदर जो ट्रीटमेंट बताया है वो दोनों के अंदर अलग अलग बताया है। सिचुएशन एक ही है लेकिन ट्रीटमेंट अलग अलग है। सर क्या मतलब, देखिए भैया इन्होंने क्या बोला है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर तुमने ITC ले लिया था लेकिन तुमने अपने सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट नहीं करी, तो इसका मतलब तुम्हें वो ITC रिवर्स करना है। एज पर सेक्शन 16(2) के सेकेंड प्रोविजन से हमने कहा जी हाँ हमने रिवर्स कर दिया, और रिवर्स करने के बाद हम उसे रिक्लेम करेंगे 24-25 में। तो इसका मतलब 23-24 में क्या हुआ, 23-24 में ITC एक बार क्लेम हुआ और एक बार रिवर्स हो गया, एक बार क्लेम हुआ एक बार रिवर्स हो गया, और अब हम उसे क्लेम कब करेंगे, 24-25 में जब हम पेमेंट कर देंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या कह रही है, ट्रीटमेंट इसका क्या बताया है एडवाइजरी ने, उन्होंने कहा कि ये वाला जो ITC है वो टेबल 6H में रिपोर्ट होगा, ठीक है ना, 24-25 की GSTR 9 में 6H में रिपोर्ट होगा, चलो ये बात ठीक है, हैंस नोट इन द टेबल 8C and 13। तो ये कह रहे ये 8C और 13 में नहीं आएगा, चलो मैं इनकी बात मान लेता हूँ, ठीक है कि भैया ये वाला जो ITC है ये 23-24 का है, हमने 23-24 का जो ITC है 24-25 में क्लेम करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये टेबल 8C और 13 में नहीं आएगा। अब एक अगला केस ले लेते हैं, अगला केस क्या है कि मेरे पास, ठीक है ना, मेरे पास गुड्स रिसीव नहीं हुए, सामने वाले सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया, मेरे पास गुड्स रिसीव नहीं हुए, सामने वाले सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया और वो इनवॉइस मेरे 2B में आ रहा है, ठीक है ना, और चूंकि मेरे को वो गुड्स रिसीव कब हुए, 24-25 में, ठीक है ना, तो मेरा वो ITC एलिजिबल कब हुआ, 24-25 में। अब उसकी रिपोर्टिंग के लिए क्या कह रहे हैं, कह रहे टैक्स पेयर शैल रिपोर्ट सच रिक्लेम्ड ITC इन द 8C and 13 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। मतलब एक जगह पर जब सिचुएशन आ रही है, ठीक है ना,
16 दो वाली, ठीक है ना, रिक्लेम वाली, तब तो ये कह रहे हैं 8C और 13 में नहीं दिखाओगे। और जब यहाँ पर वो आ रही है कि मेरे को इनवॉइस रिसीव हो गया, गुड्स नहीं रिसीव हुए, वहाँ पर ये कह रहे हैं भाई साहब आपको इसे 8C और 13 में दिखाना है। तो पहली बात तो गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है कि एक ही सिचुएशन में, एक तरह की सिचुएशन में आप दो दो ट्रीटमेंट क्यों बता रहे हो, ठीक है ना। आप मुझे बताओ क्या ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा या नहीं करेगा? हाँ सर, ये बिल्कुल कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझो, यहाँ पर एक है 22-23 का, भाई हो सकता है किसी सप्लायर ने अपनी मार्च 23 की GSTR1 लेट फाइल करी हो। अब जब मार्च 23 की GSTR1 लेट फाइल करी तो वो ITC किस में आएगा, 22-23 में या 23-24 में? सर वो तो 23-24 में आएगा, तो वो ITC हमारे को table 8A में दिखाई दे रहा है किस में, 23-24 में, लेकिन है वो किसका, है वो कौन से का, 22-23 का। अब उस ITC का क्या करें भाई, उस ITC को आपको ना तो table 8C में दिखाना ना 13 में, तो table 8 में पॉजिटिव डिफरेंस आएगा, table 8 में 8D में पॉजिटिव डिफरेंस आएगा और आपको उसका कुछ नहीं करना है। तो क्या सर वो ITC table 6 में कहीं दिखाना है? आंसर इज नो, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है table 4, 5, 6, 7 शुड नॉट हैव डिटेल्स ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। तो ये वाला ITC 22-23 का है, लेकिन 4, 5, 6, 7 में सिर्फ करंट ईयर की फिगर आती है, मतलब 23-24 की, तो ये वाला ITC यहाँ पर शो नहीं होगा। कई लोग इस ITC को 6M में डाल देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो ये चार केस आपको क्लियर हो गए होंगे, अगर क्लियर हो गए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। अब यहाँ पर क्या कहता है कि अगर कोई ITC जिसका इनवॉइस बिलोंग करता है 23-24 का एंड विच इज क्लेम रिवर्स एंड रिक्लेम इन सेम ईयर, मतलब क्लेम कर लिया फिर रिवर्स कर दिया फिर रिक्लेम कर लिया, अब उसका क्या करें भाई? जब ये तीनों ट्रांजेक्शन 23-24 में हो गई तो यहाँ पर कोई भी 8C और 13 का कोई मैटर नहीं है। या तो आप क्लेम और रिवर्सल table 6 से करो, या क्लेम table 6 से करो और रिवर्सल table 7 से करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने दोनों चीज़ों को बताया है कि आप इसे ऐसे कर सकते हो। तो ये पांच इन्होंने सिचुएशन दी, लेकिन पांच सिचुएशन में जो शुरू की तीन सिचुएशंस है, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ से कन्फ्यूजन होगी, यहाँ से नोटिसेज आएंगे। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और इस पे सारी डिटेल चर्चा करेंगे जो हमारा 99C का लाइव वेबिनार होगा। सर क्या ये फ्री में होगा? नहीं भैया, जो अर्जुन बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए फ्री होगा, जो गुरु द्रोणाचार्य बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए फ्री होगा, जो हमारे एनुअल वेबिनार वाले मेंबर हैं उनके लिए फ्री होगा, बाकी के लिए ये पेड होगा, ठीक है ना। तो फटाफट से इस वेबिनार को ज्वाइन कर लीजिए, या अर्जुन बैच ज्वाइन कर लीजिए, या गुरु द्रोणाचार्य बैच ज्वाइन कर लीजिए, या एनुअल वेबिनार ज्वाइन कर लीजिए, तो ये आपको फ्री मिल जाएगा विद रिकॉर्डिंग। चलिए इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर ऐसी अपडेट जानना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भेज दीजिए। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए, हम आपकी सारी क्वेरी के जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।